हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर पर बेस्ड कुछ हम वो लाइनर देख रहे थे जो हम लोग लगभग 140 क्वेश्चंस देख चुके हैं। आइए 141 की बात करते हैं आज। हु रोट शेक्सपियर डिवोट्स ग्रेट केयर टू एस्टेब्लिशिंग द पॉलिटिकल सेटिंग इन ऑलमोस्ट ऑल हिज प्लेस एंड हिज ग्रेटेस्ट हीरोज आर रूलर्स हु एक्सरसाइज कैपेसिटी वी कैन ओनली एक्सरसाइज विद इन सिविल सोसाइटी। तो इसने बोला है इस लाइन को, इसने बोला है एलन ब्लूम ने, एलन ब्लूम ने बोला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हु कमेंटेड इन द वर्ड्स शेक्सपियर फाउंड मेनी इंजीनियस वेज टू मेकिंग इट सीम दैट हिज ग्रेटेस्ट प्लेस अनफोल्डेड ऑफ देमसेल्व्स लाइक अ डेस्टिनी रेदर देन बाय टेक्निकल एक्सपर्ट स्कीम। तो ये बोला है केनेथ वर्क ने। ठीक है, शेक्सपियर फाउंड मेनी इंजीनियस। हु कमेंटेड इन द वर्ड अ गुड मेटाफर फॉर द एक्शन ऑफ कैजुअल इंसिडेंटल रिलेशनशिप्स एमॉन्ग वर्ड्स एंड आइडियाज इन शेक्सपियर्स इज पैटिना। स्टेफन बूथ ने बोला इस लाइन को। द टर्म बर्डोलेटरी डिराइव्स फ्रॉम जी बी सॉस बर्डोलेटर कंबाइनिंग द वर्ड बार्ड एंड एडोलेटरी और रिफर्स टू एक्सेसिव एडल्टेशन ऑफ शेक्सपियर। तो कह रहा है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो जी बी सॉ के एक क्वाइन है, किया गया शब्द है जो जिसे हम बार्डोलेटर बोले जाता है, वहीं से लिया गया है विलियम शेक्सपियर के लिए। हु यूज द फ्रेज स्टील वैक्स्ड बर्मुथेस फॉर द इम्पोर्टल पेजेस ऑफ हेक्लुएट। तो विलियम शेक्सपियर के लिए बोला गया है, विलियम शेक्सपियर ने इस फ्रेज को यूज़ किया है। बिटवीन 1593 थिएटर वेयर क्लोज हुइंग डिस्टर्बेंस कॉज बाय द एक्टर्स, यानी 1590 से लेकर के 93 के बीच में कुछ थिएटर्स बंद थे जो डिस्टर्ब किया गया था एक्टर्स के द्वारा, इसीलिए। विच प्ले वाज ओमिटेड फर्स्ट फोलियो एडिशन इन 1623। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि पेरिकल्स जो था वो फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं था। ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड पर हैप्स एंशियंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रिहेंसिव सोल। तो ड्राइडन ने प्रशंसा किया है शेक्सपियर का। Who speaks these lines? Peace, peace, dost thou not see my baby at my breast? तो इम्पॉर्टेंट लाइन है, बोली है क्लियोपेट्रा एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा में। ठीक है, peace, peace, dost thou see my baby at my breast? ठीक है, दर्शक द नर्स asleep। एक क्लियोपेट्रा की लाइन है एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा में। Who wrote in his notebook? Shakespeare, Drayton and Ben Jonson had a merry meeting and it seems trying too hard for Shakespeare died for a fever the contracted। ये जॉन वार्ड ने बोला है, जो बीकर ऑफ स्टैटफोर्ड थे उसने इसको लिखा है कि शेक्सपियर ड्रेटन एंड बेन जॉनसन हैड अ मेरी मीटिंग एंड। क्लियर है। इन विच ऑफ हिज नॉवेल्स डस इटलो कैल्विनो कंस्ट्रक्ट हिज नरेटिव थ्रू अ टैरोट पैक ऑफ कॉर्ड्स एंड reinterpret the western canon providing new version of Oedipus Rex first Hamlet Macbeth and King Lear। ये नेट में क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, ये कैसल ऑफ क्रॉस्ड डेस्टिनीज का बोला गया किस नॉवल की बात है, तो आपको बता देते हैं। इन विच प्ले कैरेक्टर सेज ओ स्वीट मिस्टर शेक्सपियर आई हैव हिज पिक्चर इन माई स्टडी एट द कोर्ट। ये कह रहा है कि ये किसका स्टेटमेंट है, ओ स्वीट मिस्टर शेक्सपियर। तो कह रहा है कि एनोमिनस है, एनोनिमस प्ले रिटर्न फ्रॉम पॉन्सस। तो कह रहा है कि ये प्ले जो है रिटर्न फ्रॉम फॉर्मसस है, लेकिन इसके राइटर का पता नहीं है। ठीक है, विच वैल्यूम वॉज प्रीफेस विथ अ पोएम बाय बेन जॉनसन इन विच जॉनसन प्रेजेंटली हेल्प शेक्सपियर इन ए नोवा टू नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ। तो ये फर्स्ट फोलियो में 1623 में बोला गया था नॉट ऑफ एन एज बट ऑल टाइम्स, बेन जॉनसन की लाइन है शेक्सपियर के लिए बोला गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फर्स्ट एडिटर ऑफ द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो पहला बायोग्राफी किसने लिखा है या फर्स्ट एडिटर कौन है, तो निकोलस रोव है। ठीक है, जिन्होंने बोला था कि थॉमस लूसी के बगीचे से पोचिंग का काम, डियर पोचिंग का काम करते थे। ठीक है, तो निकोलस रो ने भी बोला है। हु रोट अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर एंटाइटल्ड सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑन मिस्टर विलियम शेक्सपियर। तो निकोलस रो की बता रहा है कि पहले जो बायोग्राफी लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, निकोलस रो थे। हु हैज रिटन द पॉपुलर बुक शेक्सपियर सेक्स एंड लव। तो स्टैनली वेल्स ने इसको लिखा है, इस बुक का नाम है शेक्सपियर सेक्स एंड लव। तो भी स्टैनली वेल्स ने लिखा है। At what age Shakespeare appears to have retired to Stanford, where he died 3 years later? तो ये कह रहा है कि एज ऑफ 49, यानी
1613 में, यानी 49 वर्ष की उम्र में वो रिटायर हो गए, यानी उनकी राइटिंग बंद हो गई, और 1616 में उनका डेथ हो गया। इन विच वर्क बेन जॉनसन प्रिसेंटली हेल्ड शेक्सपियर इन अ नाउ फॉरमोस्ट फेमस कोटेड नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ठीक है, फर्स्ट फोलियो में बोला गया था, जो 1623 में पब्लिश हुआ था, और बोला गया था किसके द्वारा, तो बेन जॉनसन के द्वारा बोला गया था। विलियम शेक्सपियर इज ए क्रिटिकल एसे पब्लिश इन 1864 बाई विक्टर हुगो। कह रहा है कि एक और इनके द्वारा एक ऐसे पब्लिश किया गया था विक्टर हुगो के द्वारा। ठीक है, हु रोट द फोर्थ कमेंडेटरी वर्स टू द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्ले 1623, तो जेम्स मैब ने लिखा था चौथा। द पिक्टोरियल शेक्सपियर विच हैड अपियर्ड इन पार्ट्स 1838 टू 1841 इज वर्क बाई चार्ल्स नाइट। इलेरिया इज द एक्जोटिक सेटिंग ऑफ ट्वेल्थ नाइट इन विच अदर प्लेस शेक्सपियर हैड रेफर्ड दिस प्लेस साइट फॉर। तो कह रहा है कि इलेरिया जो है ट्वेल्थ नाइट में भी है और हेनरी सिक्स पार्ट टू का में भी जिक्र हुआ है। मालवियो ए कमेडिया फियरर्स आर द इम्पोस्टर्स ऑफ वर्स प्ले रिटेन बाई एमली सी एस स्नीडर। कह सकते हैं मालवियो जो आपको पता है ट्वेल्थ नाइट का एक करेक्टर है, उस पर इन्होंने एक क्या लिखा है, वर्स प्ले लिखा है। मालवियो रिवेंज इज अ पॉपुलर फिक्शनल वर्क बाई, देखिए ये भी आ गया कि मालवियो रिवेंज इज अ पॉपुलर फिक्शनल वर्क है सोफी मैसन का। हु पब्लिश ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री 1909 विच इंक्लूड्स शेक्सपियर एंटोनियन क्लियोपेट्रा एंड शेक्सपियर एंड द मैन। तो एसी ब्रेडली ने लिखा है, पब्लिश किया है। हु इज़ द एथर ऑफ शेक्सपियर एंड ट्रेजडी 1904, इंपॉर्टेंट है ध्यान रख लीजिएगा 1904 का, एसी ब्रेडली का। शेक्सपियर्स फोर ग्रेट प्लेस किंग लियर होते तो हमलेट एंड मैकबेथ का इन्होंने सेंटर को लिखा है शेक्सपियर ट्रेजडी में, एसी ब्रेडली ने, यानी बेसिकली शेक्सपियर ट्रेजडी के नाम से ये चारों ट्रेजडी को उन्होंने मेंशन किया है इसमें, एसी ब्रेडली ने, जो 1904 में पब्लिश हुआ था। हु ओरिजिनेटेड द टर्म प्रॉब्लम प्ले विद रिगार्ड शेक्सपियर अ फ्यू प्लेस। तो फ्रेडरिक बोस ने ये प्रॉब्लम प्ले जो शब्द है उसको टर्म को है ओरिजिनेट किया था या क्वाइन किया था, प्रॉब्लम प्ले फ्रेडरिक बोस। विच आर द फॉलोइंग शेक्सपियर स्कॉलर इन 1875 रूट शेक्सपियर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट, एडवर्ड डाउडन ने इसको लिखा है। विच टेल ऑफ शेक्सपियर ड्राइडन फाउंड टू बी पर्टिकुलर बैड रिफरिंग टू अ हीप ऑफ रबिस, टू टेल्स ऑफ ट्रॉयलस, टेल ऑफ ट्रॉयलस। हु रिकॉग्नाइज द ब्रिलियंस ऑफ शेक्सपियर इन हिज वर्क प्रोलॉग टू अरेंज इन द फॉलोइंग वर्ड्स, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल द पोएट्स प्राइड अ सीक्रेट सेम इन्वेट्स इज ब्रेस्ट शेक्सपियर सीक्रेट नेम। ए जॉन ड्राइडन ने लिखा इस लाइन को। हु रोट अ कलेक्शन ऑफ टू पोएम्स अंडर द कलेक्टिव टाइटल्स कैरियोलॉन इन ऑनर ऑफ शेक्सपियर प्ले कैरियोलॉनस। तो टी एस एलियट का एक पोएम है उस पर बेस्ट इन्होंने कैरियोलॉनस लिखा है शेक्सपियर ने। हु रोट अ लैंडमार्क वर्क कॉल्ड कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्ले इन 1817, तो विलियम हेजलिट ने इस वर्क को लिखा है। हु रूट द फॉलोइंग वर्ड्स व्हाट हैपन इन हैमलेट, थोड़ा सा वर्क आप देख लेंगे, व्हाट हैपन्स इन हैमलेट 1959, शेक्सपियर्स इंग्लैंड ए बुक ऑफ एलिजाबेथन प्रोज 1911, द एसेंशियल शेक्सपियर ए बायोग्राफी एडवेंचर 1932, द फोर्टनेस ऑफ द फॉलस्टाफ 1943, शेक्सपियर्स हैप्पी कॉमेडीज 1962 एंड शेक्सपियर सॉनेट्स 1963। एडवर विल्सन ने लिखा है इतनी सारी किताबों पर, स्पेशली बेस्ड ऑन विलियम शेक्सपियर। क्लियर है? ओके, थैंक यू।